सुहाई के स्वागत है सभी के आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुनो फ्रेंड्स बताने वाला, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो घर बैठे कैसे अपडेट करेंगे, आज की इस सुनो फ्रेंड्स दिखाने वाला। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पे होम सर्विसेज चालू कर दी, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से एजेंट आएंगे, आपके घर बैठे यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करके आधार कार्ड के साथ चल जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट की वेबसाइट से, तभी एजेंट आपके एड्रेस पर आएंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करके आधार कार्ड के साथ चल जाएंगे। कैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना आज की इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखें। आपको इस साइट पे आ जाना पड़ेगा, इस साइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय डाक, यानी कि इसी थ्रू आपके आपके यही भारतीय डाक के थ्रू आपके एड्रेस पर एजेंट आएंगे, आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करके चल जाएंगे घर बैठे, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा सर्विसेज रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको दिखा दे रहा है, ये गाइडलाइंस आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए किसके नाम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, किस एड्रेस पे अपने एजेंट को मंगाना चाहते हो, एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एरिया का पिन कोड डालना पड़ेगा, आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, आपके ईमेल एड्रेस क्या है। इसके बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट सर्विसेज, यानी कि आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा IPPP आधार सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके घर में एक साल से पाँच साल का बच्चा, यहाँ पर इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब देखिए आपको नीचे में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट आधार लिंक, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन पर। इसके बाद आपको देखिए नीचे में रिक्वेस्ट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें, रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 करेक्टर पासवर्ड भेजा जाएगा, पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पे कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। अगर आपको OTP नहीं आता तो यहाँ पे रीसेंड OTP के दोबारा से OTP यहाँ पे मंगवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास OTP मैंने भी डाल दिया, इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे आपको दिखा गया है रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, यानी कि आपको देखा है कि यहाँ पे टोकन नंबर दे दिया है। ये टोकन नंबर को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा अपने कहीं पर भी स्टेटस चेक करने के लिए, आप कहाँ तक आपको प्रोसेस पहुँचा है। और देखिए स्टेटस चेक करने के लिए किया क्लिक टू ट्रिक योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको जो जो आपको डाले मोबाइल नंबर या रिक्वेस्ट डाली वो डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका स्टेटस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका देखिए स्टेटस आपको जिस डेट को आपने रिक्वेस्ट करा वो डेट आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि आपका रिक्वेस्ट आधार सर्विसेज है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफिस देखिए आपको यहाँ पे आपका कब जिस डेट को आएगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, एजेंट आपके इस पर आएगा, जो एड्रेस आपने फिल करा उस एड्रेस पे आपका एजेंट पहुँचेगा। आपको आधार कार्ड लेकर रखना है, आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लेकर रखना है। कस्टम वहाँ पे आएंगे एजेंट, आपका वहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और वहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ लिंक करके चल जाएंगे। सो आप इस तरह से यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट की वेबसाइट से यहाँ पे आप यहाँ घर बैठे यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सो आपके वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।